में आप लोगों ने देखा होगा टोटल 3 मर्डर हुआ है। ये देख सकते हो बगल में खेत है मिर्च का पूरा, और वहाँ से आंटी जी लोग लेके आ रहे हैं। देख सकते हो भाई ये तेल इतना आया है और ये रेट देख लो भाई। हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत करते हैं आप सबका एक और न्यू वीडियो में। सो गाइस, जा रहे थे मधुपुर मिर्च लोड करने के लिए, तो बता दे भाई आज का वीडियो यहीं शुरू करते हैं, क्योंकि भाई अच्छा लोकेशन मिला है, वीडियो तो स्टार्ट करना ही था, चाहे यहाँ से करते चाहे और आगे जाके करते। तो सोच रहे भाई वीडियो कहीं से स्टार्ट करते हैं, तो चलो भाई फाइनल वीडियो कहीं से स्टार्ट करते हैं। और बता दे भाई इधर का जो लोकेशन है बहुत ही अच्छा वाला, गुड वाला लोकेशन है, आप लोग आ सकते हैं घूमने के लिए। अभी हम हैं लखनिया दरी के पास। लखनिया दरी बता दे भाई झरना वाला प्लेस है, बहुत अच्छा पानी अगर बहता है पहाड़ के ऊपर से, तो बच्चे लोग आते हैं, मतलब स्टूडेंट लोग, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट लोग आते हैं अपने BHU से नहाने धोने के लिए भाई, मस्त चिल्ड करते हैं आके इधर, तो आप लोग भी आ सकते हो। तो जो अभी पुल पे हम खड़े हैं भाई, ये पुल न्यू बना हुआ है, और पहले जो गाड़ियां जाती थी इस रोड से, मतलब पहले जो गाड़ियां इस रोड से गुजरती थी वो इस रोड से नहीं जाता था, ये न्यू बना हुआ है। पहले वो पहाड़ के ऊपर से जाता था, उधर से 6-7 किलोमीटर घूम के, 6-7 किलोमीटर घूम के जाता था भाई, सोच लो। और भाई लोकेशन एक बार बैक कैमरा से अच्छे से दिखा देते आप सबको, ये देख लो लोकेशन, तो चलिए इस वीडियो को यहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। और चैनल पर पूरा नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि भाई आपका भाई आप सबके लिए ऐसे ही वीडियो लेके आता रहता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और अभी फिलहाल यहां से निकलते हैं, आगे चल के बातें करते हैं आप सबसे। गाइस तो पहुंच चुके हैं मधुपुर, और व्यापारी साहब का हम वेट कर रहे हैं। व्यापारी साहब से भी फोन से बात हुआ है, व्यापारी बोले हैं कि भैया जहाँ पर तुम मेरा वेट कर रहे हो वहीं पे वेट करो, और हम आएंगे तो भेजेंगे एक जगह पर जहाँ पर लेबर तुम्हारा वेट कर रहे होंगे, मतलब लेबर मेरा इंतजार कर रहे होंगे गाड़ी के लिए कि गाड़ी कब आएगा, और गाड़ी पे बैठ कर जाना है खेत में लोडिंग करवाने के लिए। तो कुछ देर वेट करिए, और जैसे ही लेबर लेने जाएंगे, और जैसे ही जाएंगे खेत में लेबर लेने के बाद, तो फिर आप लोगों से मुलाकात करते हैं, क्योंकि भाई अभी कन्फर्म नहीं हुआ है। व्यापारी सिर्फ बोले हैं कि मेरा वेट करो, हम आते हैं तो पूरा सिस्टम बताते हैं, कहाँ जाना है, क्या करना है, कहाँ से लेबर उठाना है, कितना भाड़ा मिलेगा, सब कुछ बताएंगे। बट अभी व्यापारी आए नहीं है, वो पहले ही हमको बुला लिए हैं। और बता दे भाई बहुत ज़बरदस्त वाला धूप हो चुका है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो अभी जा रहे हैं बगल में एक अंकल का दुकान है वहीं पर वेट करेंगे, उसके बाद जब व्यापारी आ जाएंगे तो कुछ देर में आप लोगों से बातें करते हैं, कैमरा भी चार्ज करना है, तो चलिए कुछ देर बाद आप लोगों से मुलाकात करते हैं। गाइस गाइस तो लेबर लोग आ चुके हैं, और बता दें पूरा तैयारी कर रहे हैं भाई लोग, बोरी वगैरह लेके जाएंगे अलग अलग गाड़ी में लोडिंग करने के लिए, तो इतने सारे, और ये भाई बोरी सिलने का तैयारी कर रहे हैं, रस्सी को काट रहे हैं, और इधर सब बैठे हुए एक लाइन से देख सकते हो इधर। 2 बजे का यहाँ पर हम आए हुए हैं, और अभी टाइम हो चुका है 5, तो जैसे ही निकलेंगे, मतलब इतने सारे लेबर हैं हमारी गाड़ी में नहीं जाएंगे भाई, क्योंकि यहाँ पे खड़ा है 1, 2, 3, 4 गाड़ी ना, 4 गाड़ी खड़ा है, तो एक गाड़ी में सिर्फ 3 या 2 लेबर जाते हैं गाड़ी लोडिंग करवाने के लिए। तो चलिए जैसे अभी कुछ देर बाद यहाँ से निकलेंगे तो फिर आप लोग से बातें करते हैं। गाइस तो लेबर लेके निकल चुके हैं लोडिंग करने के लिए गाड़ी को, तो चलिए देखते हैं कितना जगह से लोडिंग करवाते हैं गाड़ी को, और भाई कितना जगह दौड़वाते हैं, कितने रात में छोड़ते हैं यार बता नहीं भाई, बहुत ज़्यादा रात भी कर देते हैं भाई। एक लेबर इधर है देख सकते हो, और 2 लोग पीछे बैठे हुए हैं, टोटल 3 लेबर मेरे गाड़ी में है। अभी चलिए देखते हैं भाई कहाँ का लोडिंग होता है, तो चलिए चल के मुलाकात करते हैं डायरेक्ट खेत में, मतलब लोडिंग पॉइंट पर। गाइस तो लोडिंग करने के लिए जा रहे थे, और बता दें रिजर्व बनारस में ही लग चुका था, रिजर्व में ही आए गाड़ी को मधुपुर लेके, तो अभी बता दे भाई तेल भरवाते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से सफर कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि पता चला खेत में जा रहे हैं गाड़ी को लोडिंग करवाने के लिए, और खेत में तेल खत्म हो गया तो हो जाएगा दिक्कत वहाँ पर, तो इसीलिए भाई इधर ही फुल करवाते हैं, और फुल करवा के निकलते हैं। तो भाई कर रहे हैं टंकी फुल मेरा, तो चलिए यहाँ पर टंकी फुल करवाते हैं, उसके बाद निकलते हैं, मतलब यहाँ पर फुल करवाने के बाद फिर कहीं रास्ते में तेल नहीं भरवाना पड़ेगा, जहाँ पर भी जाना होगा 500 किलोमीटर तक कोई टेंशन का बात नहीं है। टंकी हो चुका है फुल, और बता दे गाड़ी में तेल कितना आया है, तो ये देख सकते हो भाई ये तेल इतना आया है, और ये रेट देख लो भाई इतने का तेल भरवाया हूँ। तो चलिए भाई को पैसा कर दे चुके हैं, और भाई पैसा भी वापस कर दिए हैं, उसके बाद अभी यहाँ से निकलते हैं, अब डायरेक्ट जहाँ पर गाड़ी लोडिंग करना है भाई वहीं पे डायरेक्ट मुलाकात करते हैं आप सबसे। गाइस तो आ चुके हैं मेन जो रोड था, उस रोड को छोड़ने के बाद गांव में आ चुके हैं, तो वो अलग गद्दी है और ये एक अलग गद्दी है, मतलब ये गांव का गद्दी है, ये भाई साहब पूरा किसान का माल को इकट्ठा करके गाड़ी में लदवाने का काम करते हैं, और वो जो है मेन गद्दी है, मतलब वो इनको पेमेंट देते हैं और ये माल को खरीदते हैं पूरा किसान से। तो अरविंद भाई हैं, उनका नाम अरविंद भाई है, और आपका नाम क्या बताइए?
संजय भाई है ये। तो ये क्या करते हैं, किसान पूरे जितने किसान है यहाँ पे, भाई पूरे किसान का माल तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, मतलब सबका बना हुआ है किसान भाई, हम इनका किसान अलग बना हुआ है कि भाई हम इतना ही किसान से माल खरीदेंगे, तो पूरा सिस्टम सबका बना हुआ है। तो ऐसे ही भाई साहब को जो गद्दी आप देख रहे हैं, ऐसे ही बहुत सारा गद्दी इस गांव के अंदर में है। तो अभी भाई साहब को लेके जा रहे हैं, ये भाई साहब चलेंगे हमको लेके इनका जहां पे सिस्टम बना होगा मिर्च का, तो वहीं पे जाके लोडिंग करेंगे हम। तो भाई साहब गाड़ी में आगे बैठ चुके हैं और लेबर लोग पीछे बैठ चुके हैं, तो चलिए भाई निकल रहे हैं, टाटा बाय बाय। और देखते हैं भैया कितना देर में गाड़ी मेरा छोड़ते हैं आज। भैया कितना देर में छोड़ेंगे गाड़ी, सही से बताइएगा, एक घंटा में? भाई साहब अगर मजाक नहीं होगा तो भाई बता रहा हूँ कि रात को 2 बजे पहुंच जाएंगे कहीं भी वो बिहार के अंदर मंडी। तो देखा जाए, पहले यहाँ से निकलते हैं और पहला धाम पहुँचते हैं, मतलब कि पहला लोकेशन में पहुँचते हैं लोडिंग करवाने के लिए गाड़ी को, उसके बाद फिर आप लोगों से मुलाकात करते हैं। गाइस तो आ चुके हैं पहले जगह पर जहाँ पर मेरा मिर्च भरा रहा है, मतलब अभी गाड़ी में कुछ देर बाद लोडिंग होगा। तो ये देख सकते हो बगल में खेत है मिर्च का पूरा, और वहाँ से आंटी जी लोग लेके आ रही हैं, पूरा बोरी में भरा रहा है भाई, देख सकते हो पूरा ताज़ा मिर्च एकदम टूट के आया अभी तुरंत। ये देख लो मिर्च, बोलो तो चलिए गाइस कुछ देर बाद फिर जब यहाँ से निकलेंगे दूसरे पॉइंट पे जाएंगे तब फिर मिलते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पर अभी 15 से 20 मिनट टाइम लगेगा। हे गाइस तो रात का 8 बज चुका है और बता दे भाई अभी भी मेरा गाड़ी लोड नहीं हुआ है, क्योंकि भाई गांव में घुमा घुमा के गाड़ी को लोड करना पड़ता है। तो आज माल मतलब हमको लग रहा है कि कम निकल रहा है कि ज़्यादा निकला है उतना तो नहीं पता, बट अभी भी मेरे गाड़ी में 45 बोरी हो गया ना भाई, 45 बोरी माल लोडिंग हो चुका है, अभी एक जगह से 15 बोरी और माल लोडिंग करना है। तो ये देख सकते हो भैया लोग पूरा बांध रहे हैं, और मर्चा क्वालिटी देखो, ये मोटा वाला मर्चा है, और ये लोग है किसान। तो चलिए अभी यहाँ से लोडिंग करवा लेते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं। मतलब आप लोगों को और पहले भी लोडिंग हुआ है वो सब दिखा नहीं पाए, क्योंकि भाई रात हो चुका है, तो 8 बज चुका है, ये 5वां या 6वां जगह है जहाँ पे हम लोडिंग कर रहे हैं। तो चलिए अब डायरेक्ट जहाँ पर लास्ट लोडिंग होगा वहाँ पर आप लोगों से मिलते हैं भाई। गाइस तो फाइनली गाड़ी हो चुका है लोडिंग और तिरपाल रस्सा बांध के मैंने रेडी कर लिया, तो अभी यहाँ से निकल रहे भाई, क्योंकि रात का 9 बज चुका है। भैया बोले थे 1 घंटा में गाड़ी छोड़ेंगे, हम भैया को बताए थे कि भाई ऐसा नामुमकिन चीज़ आप बता रहे हैं, कभी ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि भाई कितना भी जल्दी कर लो भाई 3 से 4 घंटा लगता है। तो आए थे 5:30 बजे का, अभी रात का 9 बज चुका है, टाइमिंग आप लोग कमेंट कर देना कितना टाइम हो रहा है। तो चलिए पहले निकलते हैं और रास्ते में चल के जहाँ पर देखते हैं कहाँ पर आप लोग से मुलाकात करते हैं। फिलहाल अभी यहाँ से पहले निकलते हैं फिर बातें करते हैं। तो गाइस पहुँच चुके हैं बीटा, और बता दे भाई यहाँ पे किसी को गोली मार दिया गया है, गोली मारने से किसी का मौत हो गया, इसी वजह से बीटा में पूरा रास्ता बंद हो गया है। तो ये देख सकते हो भाई ट्रैफिक का जाम, बड़ी ज़बरदस्त ट्रैफिक लगा है यार। यार भाई कभी कभी हम सोचते हैं यार अपने देश का फौजी भाई देश के लिए मर रहे हैं भाई, मर मिट जा रहे हैं अपने देश का फौजी लोग, बट अपने देश में ही इतना गद्दार लोग पैदा हो गए हैं यार कि देश के बारे में सोच नहीं सकते हैं यार कुछ भी। मतलब यार जब देश को भाई कुछ दे नहीं सकते हो तो यार देश का कुछ बिगाड़ो भी मत प्लीज़ यार, ये सब गुंडा गर्दी छिनैती यार ये सब बंद कर दो भाई प्लीज़ यार, हाथ जोड़ के निवेदन है, जब कुछ दे नहीं सकते हो तो यार कुछ बिगाड़ो भी मत यार, जो सिस्टम चल रहा है चलने दो भाई। तो बहरहाल गाइस अभी निकलते हैं, किसी को गोली मार के हत्या कर दिया गया है, इसी वजह से लगा है जाम बहुत ज़बरदस्त। गाइस गुड मॉर्निंग, तो बता दे भाई हम यहाँ पर पहुँच गए 5 बजे मुजफ्फरपुर मंडी में, और बता दे भाई हमको रात को 10 बजे मधुपुर से छोड़ा गया था, तो टोटल हमको लगा आने में 7 घंटा। तो बता दे भाई 7 घंटा लगा आने में, और बीटा में मर्डर हो चुका था भाई रात में, आप लोगों ने देखा होगा टोटल 3 मर्डर हुआ है, 2-3 पिकअप वाले हमको बता रहे हैं, बोल रहे भाई वहाँ पे तीन लोगों का मार के हत्या कर दिया बीटा में। तो मेरा हम आ चुके हैं मंडी के अंदर और मेरा गाड़ी अभी खाली हो रहा है, तो चलिए आप सबको एक चीज़ दिखाते हैं, मतलब जो खेक्सा हम बंगाल से लेके आते थे बनारस के लिए, वो खेक्सा यहाँ पे भी आया है बिकने के लिए बंगाल से, तो ये देख सकते हो, और सेम एकदम उसी तरीके से पैकिंग हुआ है, और ये चटाई है जो गाड़ी के ऊपर लगता था भाई देख लो। तो चलिए अपना गाड़ी दिखाते हैं, अभी खाली हो रहा है, अभी खाली नहीं हुआ है। तो भाई ये देख लो मेरे गाड़ी में सिर्फ 6-7 बोरी और बचा हुआ है, और एक गाड़ी उधर है वो भी मधुपुर से आया है। तो 2 गाड़ी टोटल आया, एक गाड़ी इधर है एक गाड़ी उधर है। और भाई देख लो इधर ही से मंडी आप लोगों को दिखा देते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा मंडी नहीं है, बट बता दे भाई दिन में यहाँ पर नो एंट्री लग जाता है 8 बजे,
तो भाई 8 बजे से पहले यहाँ से गाड़ी निकालना पड़ता है, क्योंकि भाई ये है मेन मार्केट, मुजफ्फरपुर का मेन मार्केट। तो इसी वजह से यहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ इस समय आप लोगों को दिख रहा होगा। तो रात को 3 बजे से ही मंडी यहाँ पे चालू हो जाता है, और हमें लगता है कि 7 बजे तक ख़त्म हो जाता होगा, 7 से 8 बजे तक मंडी यहाँ का ख़त्म हो जाता होगा। तो चलिए, अभी पैसा तो पता नहीं भाई हमको कितना भाड़ा मिलेगा, जैसे ही पैसा अगर लेके मंडी से बाहर निकलेंगे उसके बाद फिर आप लोगों से बातें करते हैं। और इधर से आज मेरा बुकिंग भी है, और क्या चीज़ लेके जाना है वो भी आपको बताएंगे। और इस वीडियो में अगर नहीं बताएगा तो भाई नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा, उसका पता चल जाएगा। तो चलिए कुछ देर बाद आप लोगों से भाई मुलाकात करते हैं। गाइस, तो पहुंच चुके हैं दलसिंह सराय। जस्ट भाई अभी पार्टी से बात हुआ है, मतलब इधर का जो दलसिंह सराय का जो पार्टी है उनसे मेरा ही बात हुआ है। वो बोले हैं भैया आप दलसिंह सराय में माँ वैष्णो धर्म कांटा के पास मेरा वेट करिए। तो अभी हम जस्ट वहीं पर आके रुके हैं, तो सोच रहे भाई इस वीडियो को यहीं एंड करें, और आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिल जाएगा कि भाई इधर से हमारा गाड़ी में क्या चीज़ लोडिंग हो रहा है और कहाँ पर जाना है लोडिंग करने के बाद। तो नेक्स्ट ब्लॉग भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग आने वाला है, उसको भी भर भर के प्यार दीजिए, और वीडियो पे लाइक करिए, चैनल पे तो सब्सक्राइब करिए, और घंटा दबा लेना भाई, घंटा दबाने से आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप कि आप सब कोई मिलकर इस वीडियो को एंजॉय की हो। वीडियो अच्छा लगा तो भाई जानते ही वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर तो चलो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। तो चलिए भाई, मिलते हैं अलग वीडियो के साथ। और बता दें भाई, जो जो भाई हमको इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किए हैं, इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना, बुद्धादेव 772 मेरा इंस्टा आईडी है। तो इंस्टा पे आइए, बातें करते हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पर एक्टिव आपका छोटा भाई रह रहा है इस टाइम। तो चले मिलते हैं अलग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, लव यू गाइस। एक कमेंट करके जरूर बताना भाई ये वीडियो कैसा लगा, लाइक तो चाहिए ही चाहिए भाई, तो प्लीज़ सपोर्ट मी भाई लोग। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो, लव यू भाई।